खबर वाराणसी से, काशी विश्वविद्यालय से, जहां पर आयुर्वेद विभाग में भूत विद्या की पढ़ाई अब कराई जाएगी। भूत विद्या की पढ़ाई के लिए अभी तक 15 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें 3 विदेशी छात्रों ने भी इस विद्या को पढ़ने, सीखने और समझने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। भूत विद्या की पढ़ाई के लिए 30 जून तक रजिस्ट्रेशन कराने की समय सीमा रखी गई है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक सर्टिफिकेट कोर्स शुरू होने वाला है, जिसमें भूत विज्ञान के 6 महीने के कोर्स में साइकोसोमेस्टिक डिसऑर्डर के बारे में खास तौर पर पढ़ाया जाएगा, जिसे कई बार असामान्य घटनाओं से जोड़ करके देखा जाता है। हम इस वक्त रुख करेंगे विपिन सिंह की तरफ, जो कि हमारे साथ फोनलाइन के सीधे इस वक्त जुड़ रहे हैं। विपिन, जाहिर तौर पर अपने आप में एक अनोखा कोर्स है और ऐसे में स्टूडेंट्स की तरफ से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी चल रही है। किस तरीके का ये कोर्स होगा और क्या कुछ जानकारी दी जा रही है यूनिवर्सिटी की तरफ से, फैकल्टी की तरफ से? इस कोर्स को कराने के लिए ऐलान किया था, उसके बाद से काफ़ी लोगों ने इस पूरे मामले में रुचि दिखाई थी और भारत में नहीं विदेशों से भी छात्रों ने इसमें एडमिशन लेने के लिए अप्लाई किया है। और कई बात करें इस कोर्स के बारे में, तो इस कोर्स से भूत विज्ञान की जहां तक बात आती है तो लोगों को लगता है कि भूत की पढ़ाई होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये पढ़ाया जाएगा जिस तरीके से आम आदमी के जीवन में किस तरीके से चीज़ें बदलाव आती हैं और बदलाव होने के बाद कौन कौन सी बीमारियां उनके अंदर होती हैं, तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। और सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि इस पूरे पढ़ाई के लिए करीब 15 छात्रों ने अभी तक ऑनलाइन आवेदन किया है, जिसमें से 3 से 4 छात्र यूरोप से हैं और वो जानना चाहते हैं कि आखिर भूत विज्ञान है क्या। जी चलिए, शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए विपिन।